नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आकांक्षी जिले के तहत किए जा रहे कार्यों को प्रधानमंत्री के समक्ष पेश किया। साथ ही जिले में कृषि, हॉकी सहित अलग अलग आधारभूत संरचनाओं के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तार से जानकारी दी। बता दें कि आदिवासी बहुल जिला सिमडेगा को विकासशील बनाने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2018 में इसे आकांक्षी जिलों में शामिल किया था। उसके बाद से सिमडेगा जिला निरंतर विकास करते हुए आज पूरे देश भर में आकांक्षी जिलों में तीसरे पायदान पे है। सिमडेगा में खेती, महिला सशक्तिकरण, किसान विकास और दूसरे इलाकों में विकास किए जा रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रिंस हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब प्रिंस, सिमडेगा आकांक्षी जिलों में तीसरे पायदान पर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीसी से बातचीत की है, क्या बातचीत हुई दोनों के बीच? नेता जिस तरह से आज कार्यक्रम तय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव से बात करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और निर्धारित समय पर प्रधानमंत्री ने सिमडेगा के डीसी से बात की है। सिमडेगा एक आकांक्षी जिला के रूप में चयनित है और यहां पर वर्ष 2018 से कई विकास कार्य किए जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और यहाँ पर इन क्षेत्रों में सिमडेगा जिला ने एक बेहतर उपलब्धि हासिल की है, जो पूरे देश में सिमडेगा आकांक्षी जिलों में तीसरे स्थान पर रहा है। तो इससे केंद्र सरकार काफी प्रभावित है और इस बारे में डीसी से बातचीत की है प्रधानमंत्री ने। डीसी का मनोबल बढ़ाया है, डीसी के प्रयासों की, जिला प्रशासन के कार्यों की तारीफ की प्रधानमंत्री ने, और सिमडेगा की उस उपलब्धि पर, जिले झारखंड में सिमडेगा का नाम रोशन हुआ है, पूरे देश में सिमडेगा का नाम रोशन हुआ है और इससे जिला प्रशासन गदगद है। विनीता, महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के सिमडेगा में खेल और कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए गए हैं प्रशासन के द्वारा, जिसकी तारीफ पूरे विश्व में और देश में हो रही है। जी विनीता, प्रिंस, डीसी ने पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत की, क्या कुछ काम हुए हैं सिमडेगा में उसका भी जिक्र किया, भविष्य के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, क्या कुछ बेहतर करने का डीसी ने सोचा है, क्या कुछ इस बारे में उन्होंने जानकारी दी है? हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य, कृषि और खेल, तीन चीज को फोकस किया है जिला प्रशासन ने और तीनों में बेहतर कार्य किए गए हैं, शिक्षा में भी बेहतर कार्य किए गए हैं। डीसी ने बताया कि यहाँ पर सिमडेगा में हॉकी के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, यहाँ के खिलाड़ियों ने विश्व में सिमडेगा का नाम रोशन किया है। रही खेती की बात, तो खेती कृषि की बात भी बेहतर तरीके से प्रशासन ने अपना कार्य दायित्व को निभाया है और कृषि के क्षेत्र में सिमडेगा को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला प्रशासन ने क्या उपलब्धि हासिल की है, जो कोरोना के वक्त में जो प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कार्य करवाया है काफी लाभप्रद रहा और कोरोना काल में निपटने में जिला प्रशासन को काफी मदद मिला, इसकी पूरी तारीफ प्रशासन की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। जी बिल्कुल प्रिंस, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वाकई झारखंड के लिए गर्व की बात है कि सिमडेगा आकांक्षी जिलों में देश भर में तीसरे स्थान पर अपना स्थान बना पाया है।